बच्चे को शिक्षा से जोड़ने के लिए यूं तो सरकार ने तमाम तरह की योजना चलाई है, जगह जगह सरकारी स्कूल खोले गए हैं, फिर भी सैकड़ों बच्चे तालीम की डगर से दूर हैं। इन्हें न स्कूल का रास्ता पता है और न सरकारी योजनाओं का। सुल्तानपुर कस्बे की कच्ची बस्ती में प्रवेश करते ही आपको पता चल जाएगा कि गरीबी में जीवन यापन करने और दो जून की रोटी के लिए मशक्कत करके गुजारा करने वाले इन परिवारों को बुनियादी सुविधाएं तक मयस्सर नहीं है। जिस उम्र में बच्चों को स्कूल में शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, उस उम्र में इस बस्ती के कई बच्चे कचरे के ढेर पर अपना भविष्य तलाशते नजर आएंगे। हमारे स्कूल ही नहीं है, हम कैसे पढ़े? हमारे को वहाँ भी आते हैं, हमारे पास नेते भी आते हैं, हमारे को पढ़ाते नहीं है। हम जाते किचन आते हैं तो किचन जाते हैं, मेरे मम्मी पापा मानने आते हैं, हम कैसे आएंगे? हमारे स्कूल बहुत दूर पड़ती है, हम कैसे आए? बस्ती में गरीबी में जीवन बसर कर रहे इन बच्चों में भी पढ़ने की ललक साफ नजर आई। जी मीडिया संवाददाता ने जब बस्ती में जाकर बच्चों के साथ इनके अभिभावकों से बातचीत की तो सामने आया कि ये बच्चे भी पढ़ना लिखना चाहते हैं, लेकिन सरकारी विद्यालय बस्ती से 1.5 किलोमीटर दूर होने की वजह से ये बच्चे स्कूल नहीं जाते। रास्ता नहीं है, तारा की परेशानी आती है, रोड नहीं है हमारे, रोड 25-30 बच्चा बच्ची है हमारे, तो पढ़ने नहीं जाते हैं। स्कूल नहीं है, कोई मास्टर आके नहीं देखे हमारे को। यहाँ स्कूल भी बहुत 3 किलोमीटर दूर पड़ती है, और गोडा गोडा साड़ी कीचड़ आता है, घस जाता है, बच्चा बच्ची चप्पल सेहत रह जाती है मेरी। खास बात यह है कि ये बच्चे सर्व शिक्षा अभियान कार्यालय से महज 200 कदम की दूरी पर हैं, लेकिन शिक्षा की रोशनी फैला रहे चिराग की बगल में ही अशिक्षा का अंधेरा पसरा हुआ है। शिक्षा विभाग के अधिकारी भी स्वीकार करते हैं कि स्कूल की दूरी और दुर्घटना की आशंका के चलते बच्चों के माँ बाप ने उन्हें स्कूल भेजना ही बंद कर दिया है। प्रवेशोत्सव कार्यक्रम चल रहा है प्रथम चरण, और इसमें सभी पीओ साहबान को निर्देशित किया हुआ है कि वो वार्ड वार इसका सर्वे करें, डोर टू डोर जाकर के कि किस बच्चे ने कहा एडमिशन ले रखा है। और आपके द्वारा बताया गया है कि कारबेलिया बस्ती में भी सर्वे नहीं हुआ है, तो मैं अभी पीओ साहब से जानकारी लेता हूँ, बताता हूँ कि